यहाँ पर मैं क्रिकेट खेलता हूँ, पूरे दिन दिन खेल लेते हैं। तो ऐसे आप चीज़ों को एंजॉय करिए, कहीं चले जाइए, कहीं घूमिए, अपने पेरेंट्स से बात करिए, अपनी किससे मिलिए। एक बात आपसे जानना चाहेंगे, आप एक कोई एक्सरसाइज करते हो या कोई ऐसी टेक्निक है जिससे आपको कोई भी टॉपिक जल्दी याद हो जाता है? ये ऐसी चीज़ें कोई याद करने के लिए आपको कोई मंत्र नहीं चाहिए, कोई ऐसा नहीं, बस इतना ही है कि आपको यू शुड एक्चुअली ट्राई टू फोकस योरसेल्फ एंड परसीवेयर, नॉट ओनली बिकॉज इट्स लॉन्ग रन एंड थिंग्स आर, कि आपको उनको याद करना नहीं है बस, कि आपको कोई चीज़ याद करनी, ये बात बिल्कुल भी मतलब इट्स नॉट रियली सो ग्रेट, बल्कि आपको उसको समझना है, उसके अंदर डीपली आपको उसको जानना है, और अगर आप ऐसा करते हैं तब आपको उसके बारे में बहुत कुछ नया जानने को मिलता है। साथ में आपकी ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को सोच सकें किसी भी चीज़ के बारे में, और आप उसके ऊपर अलग वे से एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ला सकें, एंड दैट इज़ व्हाट इज नोन एज क्रिएटिविटी, सो दैट इज नीडेड। आजकल बच्चों में मोबाइल ज़्यादा देखते हैं और उसे कुछ बच्चे अच्छा भी सीखते हैं, कुछ बच्चे गलत भी सीखते हैं। अगर हम आपसे जानना चाहें, आप मोबाइल में ऐसी कौन सी ऐप या कौन से फंक्शन हैं जो देखते हैं जिसे आप सीखते हैं और दूसरे बच्चों को भी उसको फॉलो करना चाहिए ताकि वो गलत चीज़ें ना देखें, तो कौन सी ऐप को आप प्रेफर करते हो जिसे आपको सीखने को मिलता है? तो जैसे कि अगर मैं इस बात के ऊपर कहूँ तो खैर ऑफ कोर्स जो मोबाइल है, सेलफोन है, एंड इट्स रियली ग्रेट इन्वेंशन, और इससे हमें बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। इट्स ऑफ कोर्स इट्स अ इंफॉर्मेशन सेंटर, लेकिन आजकल क्या है, और आजकल नहीं जनरल सी बात है, एवरीथिंग आर सम ऑफ इट्स बाय प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट रियली नीडेड। तो बस बात इतनी है कि इससे क्या होता है कि कई सारे बच्चे, कई सारे स्टूडेंट्स अपनी उनसे जो उनका मेन फोकस है उससे भटक जाते हैं, और डिस्ट्रैक्शन के रूप में फ़ोन ना, वरना तो फ़ोन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हाँ जैसे कि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा गेम्स खेलते हैं और अननेसेसरी चीज़ें करते हैं फ़ोन के ऊपर, तो खैर अगर आप थोड़ा कर लीजिए, बट दैट इज़ एक्चुअली नॉट रियली गुड, क्योंकि अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए तो उसे इंजेक्शंस देने पड़ते हैं, कड़वी कड़वी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, और उसको उसमें हम रसगुल्ला नहीं खिला सकते। तो बस मैं पेरेंट्स इतना ही कहना चाहूँगा कि फ़ोन ज़्यादा फ़ोन से बचा के ही रखिए, भले ही उसके लिए आपको थोड़ा गुस्सा वुस्सा होना पड़े, दैट्स नॉट अ बिग डील, मेरे साथ भी होता है। तो बस बात इतनी है, डिस्ट्रैक्शंस आप फुल एंजॉय करिए, और स्पेशली आप फिज़िकल स्पोर्ट्स आगे खेलिए, बाहर खेलिए शाम को, और दैट इज़ रियली गुड। आप फिज़िकल एक्सरसाइज करिए, और एक AI दुनिया के अंदर, एक आर्टिफिशियल दुनिया के अंदर अभी रखा क्या है, और अगर आपको अपना करियर वगैरह है, फिर अगर आपको उसके अंदर इतना अच्छा लगता है, तो देर आर डिफरेंट वेज, बाहर खेल सकते हैं। मैं जैसे कि यहाँ पर मैं क्रिकेट खेलता हूँ, पूरे दिन दिन खेल लेते हैं, तो ऐसे आप चीज़ों को एंजॉय करिए, कहीं चले जाइए, कहीं घूमिए, अपने पेरेंट्स से बात करिए, अपनी किससे मिलिए, और मतलब कि इसके अंदर रखा ही क्या है, बात बस इतनी है।